नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 12th सीबीएसई स्पेसिमिन क्वेश्चन पेपर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब अगर आपने हमारा चैनल से पहले सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना जिससे उनको नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखने से कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, ये हमारा स्पेसिमेन पेपर है क्लास 12 सीबीएसई का 2021 के लिए स्पेसिफिक पेपर है कंप्यूटर साइंस का। तो देखिए क्या है, इंस्ट्रक्शन है, 70 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। आपको पता है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट होंगे ए और बी। ईच पार्ट इज कंपल्सरी, दोनों पार्ट क्या है, कंपल्सरी है। ये पैटर्न चेंज हुआ है इस साल, पिछले साल दूसरा था। बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव चॉइसेस, अंदर उसके चॉइसेस हैं। पार्ट ए हैज टू सेक्शंस, पार्ट ए में दो सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन वन वर्ड और वन लाइन। जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें वन लाइन या वन वर्ड आंसर देना है। और पार्ट टू हैज टू केस स्टडीज क्वेश्चंस, ईच केस स्टडी हैज 4 केस बेस्ड पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। और जो सेक्शन सेकंड है इसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं और हर केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन हैं, उनमें से 4-4 करना है। और पार्ट बी इज डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पार्ट बी में डिस्क्रिप्शन है। पार्ट बी हैज 3 सेक्शंस, पार्ट बी में 3 सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच इन व्हिच 2 क्वेश्चन हैव इंटरनल चॉइस ऑप्शंस। जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें 2 ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन 2 पार्ट छोड़ सकते हैं। और सेक्शन सेकंड इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच इन व्हिच 2 क्वेश्चन हैव इंटरनल ऑप्शंस। और जो सेक्शन सेकंड है इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2 चॉइसेस हैं। और सेक्शन थर्ड इज वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच इन व्हिच 1 क्वेश्चन हैज इंटरनल ऑप्शन। और ये जो सेक्शन थर्ड है इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 1 ऑप्शन है, यानी 1 छोड़ सकते हैं। ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली, यानी आपको प्रोग्राम जो देना है वो पाइथन में देना है। तो पार्ट ए देखिए क्या है, सेक्शन फर्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 21, इन 21 क्वेश्चन है जिसमें 15 आपको करने हैं। तो पहला क्या है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, ए माई नेम, बी ट्रू, सी टू एन डी नेम, डी माई अंडरस्कोर नेम है। तो इसमें पहला और आखिरी जो है ये वैलिड है, लेकिन जो बी है ये ट्रू है, ये हमारा बुलियन लिटरल है। और सी जो है 2 से स्टार्ट है, न्यूमेरिक डेटा से, न्यूमेरिक से स्टार्ट है, नंबर से स्टार्ट हमारा आइडेंटिफायर नहीं होता। तो बी और सी दोनों आइडेंटिफायर क्या है, इनवैलिड। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन द लिस्ट, ये लिस्ट है एल, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट एल 2:5, यानी ये स्लाइसिंग है। तो 2:5 का मतलब 2 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 4 इंडेक्स तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स नहीं लेता है इसमें। तो 2 इंडेक्स क्या है हमारा, 0, 1, 2, 6 शुरू होगा, 2, 3, 4 3 इंडेक्स लेगा, तो 6, 82 और 5 ये आपका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएसबी, सीएसबी का फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये फाइल एंडिंग से रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, 2 मल्टीप्लिकेशन साइन और एंड। तो जो क्वेश्चन मार्क लेस देन ये एंड है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। जो डबल कोट्स डबल एस्टिक है ये पावर के लिए होता है, पावर साइन है पाइथन में। तो सी इज करेक्ट, वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर है। फिफ्थ क्वेश्चन,
suppose a tuple T is declared as T, which of the following is incorrect? इसमें incorrect क्या है? Print T within square bracket 1, ये correct है. Print max T यानी maximum value, max function लगेगा, ये भी सही है. Print len, len function से number of element बताता है. लेकिन जो B part है, T within square bracket 2 is equal to minus 29, यानी कि हम tuple क्या है हमारी? Immutable type की होती है, इसमें place पे value change नहीं कर सकते. तो ये बी जो है ये हमारा इनकरेक्ट है. बी तो बी इनकरेक्ट है क्योंकि एज टपल इज इम्यूटेबल टपल होती है, हम चेंज एक प्लेस पे वैल्यू नहीं कर सकते. राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1, 2, 3 एंड वैल्यूज आर मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली. तो कोई भी डिक्शनरी नेम ले लेंगे, इक्वल लेंगे, फिर कर्ली ब्रेस के अंदर 1: सिंगल कोड या डबल कोड में मंडे, कॉमा 2: सिंगल कोड या डबल कोड में ट्यूसडे, कॉमा 3: डबल कोड से सिंगल कोड में वेंसडे, और कर्ली ब्रेस बंद, तो हमारी ये डिक्शनरी डिक्लेयर हो जाएगी. सेवेंथ क्वेश्चन, अ टपल इज डिक्लेयर्ड एज, ये डिक्लेयर किया गया टपल, फिर क्या करें? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम ऑफ टी, यानी सम एक फंक्शन होता है, तो क्या करेगा? सारे एलिमेंट का सम आ जाएगा, यानी 2 + 5 + 6 + 9 + 8 होगा, तो इसका आंसर 30 आएगा. फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेम द बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन और मेथड दैट इज यूज्ड टू रिटर्न एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर. एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एक फंक्शन होता है हमारा एबीएस मैथ्स में, तो एबीएस फंक्शन इज करेक्ट. नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स, ईमेल सेंड करने के लिए हमारा प्रोटोकॉल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फ्रेंड रंजना कंप्लेंट्स दैट समबडी हैज क्रिएटेड अ फेक प्रोफाइल ऑन फेसबुक एंड डिफेमिंग हर कैरेक्टर विद एब्यूजिव कमेंट्स एंड पिक्चर्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम फॉर दिस सिचुएशन. तो ये साइबर क्राइम कौन सा हुआ? साइबर स्टॉकिंग. 11th क्वेश्चन, इन एसक्यूएल नेम द क्लॉज दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टपल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट. जब भी किसी ऑर्डर में लगाना होता है तो ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया जाता है एसक्यूएल में. इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल ऑपरेटर. इज नल एक ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि वैल्यू वहां नल है या नहीं, यानी कोई वैल्यू है वहां या नहीं है. अगर है तो फॉल्स में चेक करेगा. राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन यूज इन एसक्यूएल. एग्रीगेट फंक्शन बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई भी लिख सकते हैं. सम, एवीजी, काउंट, मैक्स, मीन, ये सब हमारे एग्रीगेट फंक्शन है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं. एक क्यों एक कह रहा है तो एक लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीडीएल कमांड. डीडीएल का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी जिसमें हमारी डेफिनेशन चेंज हो. तो यहाँ पर सेलेक्ट क्या है? ये क्वेरी के लिए होता है. इंसर्ट में हम डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट में डेटा अपडेट होता है, लेकिन अल्टर में हम डेफिनेशन चेंज करते हैं यानी ऐड करते हैं कोई भी कॉलम. तो अल्टर की जो है, अल्टर की कमांड जो है, ये हमारा डीडीएल कमांड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू हिली स्टेशन. हिली एरियाज में माइक्रोवेव या रेडियो वेव सही होता है. आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल. एल डिक्लेयर किया गया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट. तो ये चार दिए हैं ऑप्शन, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट. ये लिस्ट क्लियर की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ये हमारा नेम है, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में कंप्यूटर साइंस विद पाइथन दिया गया है. तो फिर कहा प्रिंट नेम, ये भी 3:10 है यानी स्लाइसिंग है, तो 3 इंडेक्स लेके 10 इंडेक्स तक का डेटा उठा के प्रिंट कर देगा नेम का. तो 3 इंडेक्स कहाँ शुरू होता है? 0, 1, 2, 3 यानी P से शुरू होगा और यहां तक 9 इंडेक्स तक जाएगा, क्योंकि 10 इंडेक्स नहीं लेगा, 9 इंडेक्स तक जाएगा, तो क्या आएगा? PUTERSC, ये हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसक्यूएल राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टपल
स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस में जो हमारी टेबल्स हैं उनको बताना है कौन कौन से टेबल स्टोर हैं, तो सो टेबल कमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल कंस्टेंट्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। तो हमारा यूनिक डिस्टिंक्ट प्राइमरी की नल, तो प्राइमरी की जो है हमारी, अगर प्राइमरी की होता है, अगर आप चाहें, अगर चाहते हैं कि यूनिक प्रिवेंट करना है तो यूनिक भी यूज कर सकते हैं। अगला है, रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट्स। तो ये आपके दिए हुए हैं जीबीपीएस, एमबीपीएस, टीबीपीएस, केबीपीएस और बीपीएस। तो इसको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो पहले बीबीपीएस आएगा, बिट्स पर सेकेंड, फिर किलोबाइट्स बिट्स पर सेकेंड, फिर एमबीपीएस, फिर जीबीपीएस, फिर टीबीपीएस आएगा, ये सीक्वेंस होगा। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 15 करना है। तो ये हमारा सेक्शन फर्स्ट हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, यहां से पहला पेज, फिर आपका दूसरा पेज, फिर आपका नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी फोर सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स, यानी तो दो क्वेश्चन है, दोनों में पांच पांच क्वेश्चन है, उनको में से चार्ज करने हैं। तो पहला क्या है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर माई स्टोर इज कंसिडरिंग टू मेंटेन देयर इन्वेंट्री यूजिंग एसक्यूएल टू स्टोर द डेटा एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अब आई हैव डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया, नेम ऑफ द डेटाबेस क्या है, माई स्टोर है, नेम ऑफ द टेबल स्टोर है, द एट्रीब्यूट ऑफ स्टोर आर एज फॉलोज क्या है, आइटम नंबर न्यूमेरिक है, आइटम नेम करेक्टर आप साइज 20 है, एस कोड जो है न्यूमेरिक है और क्वांटिटी न्यूमेरिक है, टेबल नेम स्टोर है, ये हमारी टेबल है, आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड क्वांटिटी, चार हमारे कॉलम्स हैं और सेवन रोज दी गई, सेवन रोज में डेटा दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन बनता है क्या, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर एज ए प्राइमरी, टेबल जो है आइटम नंबर है क्योंकि ये यूनिक है, आप चाहें तो आइटम नेम भी ले सकते हैं, ये भी यूनिक है, लेकिन एप्रोप्रिएट जो है वो हमारा आइटम नंबर होगा। बी है, राइट द डिग्री एंड कार्डिनेटली ऑफ द टेबल स्टोर, यानी डिग्री क्या होती है, जितने कॉलम होते हैं टेबल में वो डिग्री होती है, तो चार कॉलम है तो डिग्री फोर हुई और सेवन रोज है, ये जो हमारा हेडिंग है यानी कॉलम नेम है इसको एक्सक्लूड किया जाता है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन रोज है इसलिए कार्डिनेलिटी जो है हमारी सेवन। सी पार्ट है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द एट्रीब्यूट आइटम नंबर आइटम नेम एंड एस कोड रिस्पेक्टिवली इन द गिवन टेबल स्टोर, आइटम नंबर 2010, आइटम नेम नोटबुक और एस कोड 25। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टोर ब्रैकेट में आइटम नंबर कॉमा आइटम नेम कॉमा एस कोड, तीन देनी है, फिर वैल्यूज, फिर ब्रैकेट में उनकी वैल्यूज देंगे 2010 कॉमा नोटबुक सिंगल कोटेड डबल कोट्स में कॉमा 25, फिर ब्रैकेट बंद, फिर सेमीकोलन। उसके बाद डी पार्ट है, अब आई वांट टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस माई स्टोर, व्हिच कमांड विल द यूज फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा कमांड, जब हमें टेबल रिमूव करना होता है तो डिलीट फ्रॉम स्टोर, ड्रॉप टेबल स्टोर, ड्रॉप डेटाबेस माई स्टोर, डिलीट स्टोर फ्रॉम माई स्टोर, तो ड्रॉप टेबल स्टोर दिया जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस तो नहीं, तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट, ये सही है, अगर हमें टेबल डिलीट करनी है, हटाना है डेटाबेस से, तो ड्रॉप टेबल और वो टेबल का नाम लिखेंगे, तो ड्रॉप टेबल, ये सही है। ई पार्ट, नाउ अब आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल स्टोर, that is name of the attributes and their respective data types that is used in the type, write the query to display the same, to uske liye describe
कमांड होती है डिस्क्राइब स्टोर सेमीकोलन, या डीईएससी भी यूज कर सकते हैं, डीईएससी स्टोर सेमीकोलन लगाएंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। 23rd है, रंजन कुमार आप क्लास 12th इज राइटिंग अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीएसवी फाइल, सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है, यूजर डॉट सीएसवी, सीएसवी फाइल का नाम क्या है, यूजर डॉट सीएसवी विच विल कंटेन यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर सम एंट्रीज, ही हैज रिटन द फॉलोइंग कोड एज द प्रोग्रामर हेल्प हिम टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द गिवन टास्क। इम्पोर्ट यहाँ फिल करना है, तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा ये अभी हम बात करेंगे लाइन वन में। फिर डेफ एड सी एस बी फाइल, फिर यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, दो पैरामीटर है टू राइट और एड डेटा इन टू द सी एस बी फाइल। फिर एप ओपन यूजर डॉट सी एस बी कॉमा, यहाँ पर दिया जाएगा टाइप मोड दिया जाएगा लाइन टू। फिर न्यू फाइल राइटर ये इक्वल टू न्यू सी एस बी डॉट राइटर एफ, फिर न्यू फाइल राइटर डॉट राइट रो, यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, डेटा पैरामीटर पास किए जाएंगे, एफ डॉट क्लोज होगा। तो ये हमारा राइटिंग है। फिर दूसरा क्या है, सी एस बी फाइल रीडिंग मोड कोड, ये है डेप रीड सी एस बी फाइल, ये फंक्शन है हमारा, तो रीड डेटा फ्रॉम सी एस बी फाइल। फिर विद से हम ओपन कर रहे हैं, विद ओपन यूजर डॉट सी एस बी, और यहाँ पर मोड क्या है, आर है एज न्यू फाइल, ये ऑब्जेक्ट हमारा है फाइल का। फिर न्यू फाइल रीडर इजिकल टू सी एस बी डॉट, यहाँ न्यू फाइल नेम देना है, तो यहाँ लाइन में फिल करना है। फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर कोलन प्रिंट रो इन जीरो कॉमा रो वन, और फिर न्यू डॉट न्यू फाइल डॉट फिल करना है, लाइन फोर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन बार हम एड सी एस बी फाइल को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ अर्जुन चला जाएगा पहले पैरामीटर में और ये दूसरा चला जाएगा दूसरे पैरामीटर में, ऐसे तीन बार जाएगा, तो ये तीन रिकॉर्ड राइट होंगे जाके, तीन रिकॉर्ड ये फंक्शन ऐड, तो तीन रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे फंक्शन में। उसके बाद फिर लिखा है रीड सी एस बी फाइल, तो रीड करेगा, तो ये फाइल रीडिंग वाला हमारा फंक्शन चलेगा, रीड ये चलेगा। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन वन, लाइन वन में क्या मॉड्यूल इंपोर्ट किया जाएगा, सी एस बी फाइल है इसलिए सी एस बी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सी एस बी। बी पार्ट इन विच मोड रंजन शुड ओपन द फाइल टू एड डेटा इन टू द फाइल, डेटा एड करना है अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तब भी, और या नहीं क्रिएटेड है तब भी, दोनों के लिए अपेंड मोड बेटर होगा, तो अपेंड मोड इज बेटर। ए मोड जो है ए यानी डबल कोट्स में लिख देंगे, तो अपेंड मोड से क्या होगा, नई फाइल भी बन जाएगी और पहले फाइल बनी हो तो उसमें डेटा आगे ऐड भी हो जाएगा। सी फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल, डेटा रीड करना है, तो डेटा रीड करने में लाइन 3 में यहां सीएसवी डॉट क्या लिखेंगे, हम लगाएंगे रीडर फंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे रीडर फंक्शन लगाएंगे। फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन 4 टू क्लोज द फाइल, फाइल क्लोज करना है तो हमेशा क्लोज फंक्शन लगता है, तो यहाँ पर क्लोज फंक्शन लग जाएगा, क्या लगेगा न्यू फाइल यानी ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज फंक्शन लग जाएगा। फिर आपका ई पार्ट है राइट द आउटपुट ही विल ऑब्टेन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग लाइन 5, तो लाइन 5 यानी एग्जीक्यूट करेंगे लाइन 5 में, देखे क्या हो रहा है, लाइन 5 में रीड सी एस बी फाइल, रीड सी एस बी फाइल रीड करेगा, तो तीन डेटा हमने दिया है तो तीनों डेटा प्रिंट हो जाएंगे, और क्योंकि रीड करने में क्या हो रहा है, रीड कर रहा है और यहाँ पर लूप चल रहा है रो का, फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर ऑब्जेक्ट में, और एक एक जीरो इंडेक्स का डेटा कॉमा वन इंडेक्स का डेटा प्रिंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक सिंगल स्पेस आएगा, यानी अर्जुन पहले आएगा फिर सिंगल स्पेस ये पासवर्ड आएगा, अरुणिमा आएगा पासवर्ड आएगा, फिर फायदा तीन रिकॉर्ड आएंगे, ये हमारा आउटपुट आएगा और दोनों के बीच में एक एक स्पेस आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्ट टू पूरा हो गया, पार्ट टू का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पार्ट टू का स्क्रीनशॉट सेक्शन सेकंड।
तो ये ले लीजिए, यहां से पहला पेज ले लीजिए, फिर आपका यह क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो यहां से ले लीजिए, फिर 23 क्वेश्चन यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहां से ले लीजिए। तो हम पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी सेक्शन फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। तो 6 × 3 + 4 / 2 / 5 - 8 यानी तो मल्टीप्लीकेशन, और ये पहले तो क्या होगा, 6 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर हमारा जो है प्लस रहेगा, और 4 / 2 रहेगा तो 4 / 2 यानी 16 आ जाएगा, पहले ये पावर चलेगा, पावर एक्सिक्यूट होगा, फिर हमारा जो आएगा डिवीजन साइन चलेगा, तो फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन बाद में होगा, फिर माइनस होगा। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 प्लस जब 16 डिवाइड 5 करेंगे तो 5 × 3 = 15 आएगा, यानी फ्लोर डिवीजन 3 आएगा, तो 18 + 3 - 8 जब सॉल्व होगा तो हमारा आंसर 13 आएगा। तो ये इस सेकंड में सॉल्व होगा। बी पार्ट है 10 > 5 and 7 > 12 are not 18 > 3। तो पहले ये 10 > 5 ट्रू है, और एंड फिर 7 > 12 फॉल्स है, और फिर 18 > 3 ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स आर नॉट ट्रू। तो एंड पहले सॉल्व होगा, तो ट्रू एंड फॉल्स, एंड लगेगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स, और यहां पर ट्रू के पहले नॉट लगा है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स और फॉल्स, क्या आएगा आंसर आपका, फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड वर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन थ्रेट्स में। अब क्या है, वायरसेस रिक्वायर्स एन एक्टिव होस्ट प्रोग्राम और एन ऑलरेडी इन्फेक्ट एंड एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू वायरसेस टू रन कॉज डैमेज एंड इफेक्ट अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स। वर्म्स आर स्टैंड अलोन मॉलिक्यूलस प्रोग्राम्स दैट कैन सेल्फ रिप्लिकेट, अपने आप से मल्टीप्लीकेशन में होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और में डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर, राइट एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर जब हम सर्फिंग करते हैं, अपने वेबसाइट्स देते हैं, तो वो सर्फिंग है, वो वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउजर रिट्रीव्स द necessary contents from a web server and then display the page on the user's device. Web server क्या है, यानी head जो होता है। अब web server is a computer that runs websites. The basic objective of the web server is to store processes and deliver web pages to the users. This intercommunication is done using hypertext transfer protocol HTTP. और पॉपुलर वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मेन जो है हमारे जो पॉपुलर है वो गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, दो आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एसएमटीपी, एक्सएमएल, लैन, आईपीआर। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्सएमएल का मतलब सिव मार्कअप लैंग्वेज, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। 27th, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर विद सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जो पैरामीटर देते हैं वो एक्चुअल फॉर्मल होते हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं जो पैरामीटर देते हैं वो एक्चुअल होते हैं। फॉर्मल में हम केवल आइडेंटिफायर देते हैं, एक्चुअल में हम आइडेंटिफायर
या एक्सप्रेशन या लिटरल दे सकते हैं। तो क्या है, द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स यूज्ड इन फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, वेयर पैरामीटर्स यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स में बी वैल्यू यानी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल और एक्सप्रेशन। फॉर्मल पैरामीटर इज एन आइडेंटिफायर, फॉर्मल पैरामीटर हमेशा आइडेंटिफायर होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने कहा डेप्थ, एरिया, साइड, कोलन, तो यहाँ साइड जो है ये हमारा फॉर्मल, यहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं रिटर्न साइड इनटू साइड, तो ये हमारा जो साइड है ये फॉर्मल, इन लाइन वन साइड इज द फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रिंट एरिया, यानी एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फाइव पैरामीटर देके, तो फाइव जो है वो एक्चुअल पैरामीटर है। इन लाइन टू व्हाइल इनवोकिंग एरिया फंक्शन द वैल्यू फाइव इज एक्चुअल पैरामीटर। अ फॉर्मल पैरामीटर दैट इज अ पैरामीटर, इट इज द फंक्शन डेफिनेशन, एंड एक्चुअल पैरामीटर दैट इज अ आर्गुमेंट इज इन अ फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फॉर्मल देते हैं। और एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यूज इन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। यूज ग्लोबल, जनरली क्या होता है, जो हमारा फंक्शन के अंदर वेरिएबल होते हैं वो लोकल होते हैं, और फंक्शन के बाद जो वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। अगर हम ग्लोबल को फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं एज ए ग्लोबल, तो हम ग्लोबल कीवर्ड दे सकते हैं। देखिए क्या है, एग्जाम्पल देखिए, सी इज इक्वल टू 10, डेप एड कोलन, तो सी हमारा ग्लोबल है। अब अंदर ये फंक्शन है हमारा एड, इसके अंदर हमने कहा ग्लोबल सी, तो सी जो हमारा ग्लोबल है उसको हम यूज करेंगे। हमने कहा सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, तो ग्लोबल वैल्यू सी इज इंक्रीमेंटेड बाय 2, 2 से ऐड, 2 ऐड हो जाएगा। जब हम प्रिंट करेंगे इनसाइड तो सी प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा। और ऐड ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, जब कॉल करेंगे तो 12 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने सी 15 चेंज कर दिया, ग्लोबली चेंज हो रहा है, चेंज हो जाएगा। प्रिंट करेंगे सी, तो यहाँ पर क्योंकि हम 12 चेंज कर चुके हैं, 12 की जगह 15 कर दिए हैं, यहाँ पर सी 15 आएगा। तो जब आउटपुट क्या आएगा हमारा, इनसाइड जब फंक्शन हमारा कॉल होगा ऐड, तो अंदर फंक्शन के जो प्रिंट होगा वो 12 प्रिंट होगा, और फंक्शन के बाहर सी क्योंकि चेंज हो रहा है 15 हो रहा है, इसलिए हमारा 15 प्रिंट होगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब 28 है, रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर्स, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। ये हमारा प्रोग्राम है जिसको करेक्ट करना, वैल्यू इज इक्वल टू 30 फॉर वेल इन रेंज 0 कॉमा वैल्यू, और ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें हमारी मिस्टेक्स हैं, क्या मिस्टेक हैं, यहाँ पर कोलन नहीं लगा है, यहाँ पर तो वेल लूप चल रहा है वेल का, यहाँ पर कैपिटल भी है लेकिन ये स्मॉल यूज हो रहा है, यहाँ पर ई कैपिटल है, एल्स इफ है, एल्स इफ नहीं चलता, एलिफ चलता है, और यहाँ पर एल्स के बाद कोलन नहीं लगा है। तो देखिए करेक्टेड कोड क्या है, ये हमारा करेक्टेड कोड, वैल्यू इज इक्वल 30 फॉर वेल कैपिटल इन रेंज 0 का वैल्यू कोलन लगेगा, एरर 1 है। फिर इफ वैल मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कैपिटल में वैल होगा। फिर एरर 3, यहाँ पर एल्स इफ लिखा था, एल्स इफ नहीं, एलिफ होता है, एलिफ लगेगा, ये एरर 3 है। फिर एल्स का कोलन नहीं लगा था, तो ये एरर 4 है, 4 एरर। अब 29 क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, आल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू ईच ऑफ द वेरिएबल लोअर एंड अपर। लोअर और अपर में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इम्पोर्ट रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब ये हमारी क्या हो रही है, लिस्ट हमने असाइन किया है, डिक्लेयर किया है। फिर लोअर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड आई एन टी 1, 3, इसका क्या है, लोअर की वैल्यू मिनिमम 3 होगी और मैक्सिमम 1 होगी और मैक्सिमम 3, यानी 1 और 3 के बीच की होगी, 1, 2, 3 हो सकती है। और अपर में क्या है, रैंडम डॉट रैंड आई एन टी में 2, 4 है, तो अपर की मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम 4 होगी, 2, 3, 4 3 वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ लूप चल रहा है फॉर के इन रेंज लोअर कॉमा अपर प्लस 1, तो हमारा जो के वैल्यू आएगी लोअर से शुरू होगी और अपर प्लस 1 तक जाएगी, यानी प्लस 1 का मतलब है क्योंकि अपर तक जाती नहीं है, तो हमारा लोअर से अपर जाएगी, यानी मिनिमम वैल्यू के की 1 हो सकती है और मैक्सिमम 4 हो सकती है, यानी 1 इंडेक्स लेके 4 इंडेक्स तक ही डेटा प्रिंट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अरे में प्रिंट हो रही है,
तो यानी जीरो इंडेक्स का डेटा कभी प्रिंट नहीं हो सकता, ये वन इंडेक्स है, टू है, थ्री, फोर, यानी 30 से लेके 60 तक का डेटा प्रिंट हो सकता है, क्योंकि इतना ही लूप चल रहा है केस, और इसका 20 और 70 डेटा कभी भी प्रिंट नहीं होगा इस लूप से, जिसमें भी 20 या 70 है तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो पहले वाले में 70 है, थर्ड वाले में भी 70 है, लास्ट वाले में भी 70 है, तो यानी पहला, थर्ड और फोर्थ ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वाले में 30, 40, 50 है, तो ये पॉसिबल है, तो यानी सेकंड वाला हमारा आंसर करेक्ट है। और हमने बताया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोअर क्या होगा, क्योंकि लोअर में 1 और 3 के बीच का डेटा होगा, 1, 2, 3 होगा, तो मैक्सिमम लोअर वैल्यू 3 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू अपर की क्या होगी, 2 और 3, 4 होगा, तो मैक्सिमम 4 होगा। 30th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट की इन अ टेबल, गिव अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ कैंडिडेट की फ्रॉम अ टेबल कॉन्स्टेंट कंटेनिंग सम मीनिंगफुल डेटा। यानी हमारी टेबल है, ये 3 कॉलम है, टेबल का नाम है, आइटम है। तो अब क्या है, अ टेबल में है मोर देन वन सच एट्रीब्यूट आर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट देयर आइडेंटिफाई दैट आइडेंटिफाइज अ टपल यूनिकली ऑल सच एट्रीब्यूट आर नोन एज कैंडिडेट की। यानी जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, जो यूनिक हो, उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो इसमें आइटम नंबर और आइटम नेम ये हमारी कैंडिडेट की है। तो क्या है, इन द अबव टेबल आइटम नंबर एंड आइटम कैन बी कैंडिडेट, यानी दोनों आइटम नंबर और आइटम दोनों यूनिक हैं डेटा, इनको हम कैंडिडेट की यानी प्राइमरी की बना सकते हैं कोई भी, इसलिए दोनों क्या हुई, कैंडिडेट की हुई। 31st क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिच वन एंड फिच ऑल मैथड विद सुटेबल एग्जाम्पल फाइव। अब फिच वन क्या है, फिच वन मैथड रिटर्न्स वन रो or a single record at a time, it will return none if no more row or record are available. इसका example देखिए, import mysql.connector, ये interface between python and sql है, तो import mysql.connector हम चाहें तो ऐज करके alias भी दे सकते हैं, नहीं दिया हमने। फिर हमने क्या कहा, यहाँ पर object बनाया mydb is equal to mysql.connector डॉट कनेक्ट फंक्शन लगाया, फिर होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट, फिर पासवर्ड जो हमारा होता है एसक्यूएल का 123 हमारा है, तो 1234 लिख दिया। डेटाबेस जो यूज करते हैं, जो डेटाबेस है वो क्या है, एलपीएस है। फिर क्या कहा, माई कर्सर ये इज इक्वल टू mydb.cursor फंक्शन यूज किया जाएगा, कर्सर आगे बनाया जाएगा, फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन लगाया जाएगा, तो इसमें क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी क्वेरी आ गई। अब क्वेरी तो आ तो गई, लेकिन अब उसको फिच करेंगे, तो जब हम कहेंगे माय रेक डॉट माय कर्सर डॉट फिच वन, तो एक रिकॉर्ड फिच होगा, वो कहाँ जाएगा, माय रेक में। जब हम कहेंगे प्रिंट माय रेक, तो वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे माय रेक इज इक्वल माय कर्सर डॉट फिच वन, तो फिर दूसरा रिकॉर्ड उसके आगे वाला फिच होगा। फिर हम कहेंगे प्रिंट, तो प्रिंट अगला रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर माई डीबी डॉट क्लोज कर देंगे, दो बार हमने फिच वन कॉल किया, तो दो रिकॉर्ड हमारे फिच होंगे और डिस्प्ले होंगे। अब फिच ऑल क्या है, फिच ऑल फिचेज ऑल द रोज ऑफ अ क्वेरी रिजल्ट एन एम्प्टी लिस्ट इज रिटर्न इफ देयर इज नो रिकॉर्ड टू फिच द कर्सर। यानी पूरा पूरा फिच कर लेता है, सारे रिकॉर्ड एक साथ फिच हो जाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, वही है बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर माई डीबी, ये पूरा लगाया है हमने, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, और पासवर्ड हमारा जो है 1234 है, तो पासवर्ड 1234 है, डेटाबेस एलपीएस है, कर्सर आप जो बनाया, फिर इजिक्वल फंक्शन लगाया, क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, क्वेरी आ जाएगी, फिर माई कर्सर डॉट फिच ऑल किया, तो सारा रिकॉर्ड हमारा फिच हो जाएगा माई रिक में, सारा रिकॉर्ड जो हमने क्वेरी की है वो सारे रिकॉर्ड हमारे माई रिक में आ जाएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर ए इन माई रिक लूप चला रहे हैं, प्रिंटेड एक एक रिकॉर्ड प्रिंट होता जाएगा।
तो माई, और फिर माई डीबी डॉट क्लोज, तो ये क्लोज हो जाएगा। तुम्हारा ये दो प्रोग्राम है, पहला फिच वन वाला है और दूसरा फिच ऑल वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DLL एंड DML, राइट एनी टू कमांड्स ऑफ DML इन SQDL मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DDL क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इंसर्ट डेटा जब हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं, डिलीट अपडेट ऑफ DML इन SQL, ये कमांड्स हमारी क्या है, डेटा मैनिपुलेशन होता है, डेटा मैनिपुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ये हमारा पाइथन कोड है, फंक्शन है डिस्प्ले, इसमें एक एसटीआर पैरामीटर पास हो रहा है, एम है, फिर क्या है हो रहा है, रेंज 0 से लेके लेंथ तक जा रही है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इफ एसटीआर ऑफ आई डॉट इज अपर है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं एम में, अगर अपर है तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एलिफ में क्या हो रहा है, अगर इज लोअर है तो उसको अपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो इंडेक्स चेक कर रहे हैं, अगर इंडेक्स हमारा इवन है तो उससे एक पहले वाला करेक्टर एम में ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज हैश ऐड कर रहे हैं। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल करने में हम क्या पास कर रहे हैं, फन एड रेट पाइथन 3.0, तो ये जब ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा एसटीआर में, तो एसटीआर के लेंथ लिया है और लूप चलेगा 0 इंडेक्स लेके लास्ट तक चलेगा, और एक एक करेक्टर हमारा चेक होगा, अगर वो अपर है तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लोअर है तो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लोअर अपर के अलावा है कोई तो फिर चेक करेगा इंडेक्स हमारा, इंडेक्स अगर हमारा इवन है तो उससे पहले वाला करेक्टर आएगा, और इंडेक्स इवन नहीं है तो हैश आएगा। तो देखिए एफ कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, यू एन स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएंगे, या एट रेट है, एट रेट हमारा तो यहाँ पर हैश आ जाएगा, क्योंकि ये 0123 है और इंडेक्स पे है इसलिए हैश आ जाएगा, और ये पी कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, टी एच ओ एन इस पी वाई से लेके स्मॉल है तो सब कैपिटल हो जाएंगे, फिर थ्री है, थ्री जो है ये इवन इंडेक्स पे है तो उससे पहले वाला आ जाएगा एन, और डॉट जो है ये ऑड इंडेक्स पे है इसलिए हैश आ जाएगा, फिर जीरो इवन इंडेक्स पे है तो उससे पहले वाला करेक्टर आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो ये पार्ट वन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पार्ट वन का, इस पार्ट बी सेक्शन फर्स्ट का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा हो गया। अब पार्ट टू की हम चर्चा करते हैं, पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में देखिए क्या है, राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट ए आर आर एन इन पाइथन विच एक्सेप्ट अ लिस्ट ए आर आर ऑफ नंबर एंड एन इज द न्यूमेरिक वैल्यू बाय विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर शिफ्टेड टू लेफ्ट, एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट हो। तो उसके लिए देखिए सैंपल इनपुट डेटा ऑफ लिस्ट इज, ये हमारा डेटा है और एन हमने दिया 2, तो क्या होगा, जो दो डेटा है वो राइट में चले जाएंगे बाकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए ये आउटपुट क्या आएगा, 30, 40, 12, 11, 10, 20। देखिए ये हमने फंक्शन बनाया है, देखिए डेप एल शिफ्ट ए आर आर कॉमन एन कोलन एल इज इक्वल टू लेन ले लिया, फिर लूप चलाया एक्स फॉर एक्स इन रेंज 0 से लेकर एंड तक कोलन लगाया, फिर हमने 0 इंडेक्स वाले वाई में डाल ली और फिर लूप चलाया आई का इन रेंज 0 से लेके लेंथ -1 तक, और
एक एक शिफ्ट करते गए, आई प्लस विंडोज का डेटा आई में डालते गए। फिर क्या किया, जो वाई था उसको एल माइनस वन इंडेक्स पे डाल दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो जो शुरुआत के डेटा हैं वो लास्ट में चले जाएंगे और शिफ्टिंग हो जाएगी। जब प्रिंट करेंगे यार तो बिल्कुल ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपका प्रोग्राम है, इसको देख लीजिए। अगला है 35। राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट द नंबर ऑफ मी और माई वर्ड्स प्रेजेंट इन द फाइल टेक्स्ट फाइल story.txt। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, द आउटपुट ऑफ फंक्शन शुड बी काउंट ऑफ मी और माई इन फाइल फोर। ये चार हैं, माई मी और चार बार आया माई और मी, माई मी, तो इसलिए चार काउंट। तो ये हमारा ये प्रोग्राम है, देखिए यहां से प्रोग्राम है। क्या किया, डेफ डिस्प्ले मी माई, ये फंक्शन का नाम हो गया। यानी हम काउंटर को हमने जीरो ले लिया, फिर फाइल ओपन किया, एफ ओपन स्टोरी डॉट टीएक्सटी रीडिंग मोड में, फिर एन रीड किया, पूरा डेटा रीड हो गया, एन में चला गया। फिर उसको हमने स्प्लिट कर लिया, एम में चला गया स्प्लिट करने के बाद। फिर फॉर एक्स इन एम, एक एक एक्स आता जाएगा, एक्स में डेटा आता जाएगा, क्योंकि स्प्लिट हो गया वर्ड, सारे स्प्लिट होके एम में चले गए हैं। तो जब एक एक वर्ड आएंगे, लिस्ट बन गई हमारी, तो लिस्ट एक एक डेटा उठेगा, चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू मी और एक्स इक्वल टू माई और एक्स इक्वल टू स्मॉल में माई, एक्स इक्वल टू स्मॉल में मी। अगर ऐसा है तो नम एक से बढ़ता जाएगा और फिर से चलता रहेगा। जब पूरा लूप चल जाएगा, सारे डेटा चेक हो जाएंगे, तो फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट काउंट ऑफ मी ऑब्लिक माई इन फाइल कॉमा नम। तो ये हमारा प्रोग्राम है, यहां से लेके यहां तक है। अगला आर है, आर में क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ फंक्शन ए एम काउंट इन पाइथन व्हिच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल स्टोरी डॉट टीएक्सटी शुड काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ अल्फाबेट ए एंड एम इंक्लूडिंग स्मॉल केसेस ए एंड एम टू, यानी स्मॉल और कैपिटल दोनों, ए अलग काउंटिंग करनी है और एम की अलग काउंटिंग करनी है। एग्जाम्पल है ये हमारा, तो क्या ए आर स्मॉल ए कितना, फोर है और एम टू है, तो इसमें काउंट किया गया तो ये आया। तो इसका प्रोग्राम देखिए, फंक्शन देखिए, डेप काउंट अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर एम, ये फंक्शन का नाम है, कोलन, फाइल ओपन की गई रीडिंग मोड में स्टोरी डॉट टीएक्सटी, फिर ए कॉमा एम इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, तो यानी दोनों को जीरो असाइन कर लिया गया ए और एम काउंटर को। फिर रीड किया, आर इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, पूरा रीड हो गया। फिर क्या किया, फॉर एक्स इन आर एक एक करेक्टर रीड होगा, तो उसको चेक करेंगे, इफ एक्स ऑफ जीरो चेक करेंगे, एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए कैपिटल ए और एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो ए का काउंटर बढ़ेगा, और एल इफ में एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू कैपिटल एम और एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एम, तो एम का काउंटर बढ़ेगा। ये पूरा लूप चलता जाएगा, जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर प्रिंट ए आर स्मॉल एम, ए प्रिंट कर देंगे और कैपिटल एम, ए और एम क्या है, काउंटर है, ए का काउंटर है और एम एम का काउंटर है, तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम है यहां से। 36 क्वेश्चन है हमारा, क्या है, राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी फर्स्ट टू थर्ड बेस्ड ऑन द रिलेशन टीचर एंड पोस्टिंग गिवन बिलो। टीचर टेबल है हमारी और पोस्टिंग टेबल है, दो टेबल है और हमारा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट एस्टिक फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी सिलेक्ट किया, क्या क्या सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट और काउंट किया, काउंट बताएगा कितने हैं, तो क्या करेगा, और फ्रॉम द टेबल ग्रुप बाय जब लगाते हैं तो सबको अलग अलग काउंट करता है, जितने बने ग्रुप सबको अलग अलग काउंट करेगा। तो क्या है, डिपार्टमेंट काउंट करेगा, हिस्ट्री तीन बार आया है इसमें, तीन आ गया काउंटिंग, कंप्यूटर साइंस दो बार आया है तो कंप्यूटर साइंस दो काउंट होगा, मैथमेटिक्स तीन बार आया है तो तीन बार काउंट होगा, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। सेकंड है, सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग
कॉमा मीन डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर। तो डेट जो है मैक्स क्या आएगी 31/07/2018 सबसे बड़ा है। चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके से आ सकती है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, या पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। और मीन जो होगा ये सबसे छोटा है 2007, तो ये डेट मंथ ईयर आ सकती है, या मंथ ईयर मंथ डेट आ सकती है, दोनों सही। थर्ड है सेलेक्ट टीचर कॉमा नेम कॉमा टीचर कॉमा सेलेक्ट टीचर डॉट नेम कॉमा टीचर डॉट डिपार्टमेंट कॉमा पोस्टिंग डॉट प्लेस फ्रॉम टीचर पोस्टिंग हुएर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट एंड पोस्टिंग डॉट प्लेस इज इक्वल टू दिल्ली। तो क्या आंसर आएगा, नेम डिपार्टमेंट जिसका दोनों हो, तो क्या है जुगल कंप्यूटर साइंस दिल्ली है और शिव ओम कंप्यूटर साइंस दिल्ली, दो लोगों का ऐसा है, तो ये आपका आउटपुट आएगा। फिर 37 क्वेश्चन है, क्या है राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश ए आर आर वेयर ए आर आर इन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल नंबर्स डिवाइड बाय 5 इनटू अ स्टैक इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ लिस्ट डिस्प्ले द स्टैक इफ इट हैज द एट लीस्ट वन एलिमेंट अदरवाइज डिस्प्ले एप्रोप्रिएट एरर मैसेज। तो ये पुश का फंक्शन है, डेप्थ पुश ए आर आर कॉमा वैल्यू, अरे है और ये वैल्यू जिसको पुश करना है। पहले हमने जो हमारी लिस्ट है उसको नल ले लिया, फॉर एक्स इन रेंज 0, len ऑफ ए आर आर तक लूप चलाया जो अरे पास की, इफ ए आर आर ऑफ एक्स इज मॉडुलस 4 है, 5 पे चेक कर रहे हैं, 5 डिजिबल कह रहे हैं चेक करिए, तो चेक कर रहे हैं, तो अगर डिजिबल है तो अपेंड कर रहे हैं एस डॉट अपेंड वो डेटा डाल रहे हैं, अदरवाइज नहीं डाल रहे हैं। जब पूरा डेटा चला जाएगा तो चेक करेंगे इफ लेन ऑफ एस इज 0 है, अगर डेटा एस में कोई भी डेटा गया नहीं है तो क्या कहेंगे एम्प्टी कहेंगे स्टैक, और नहीं तो पूरी स्टैक यानी अरे जो लिस्ट जो है प्रिंट कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, देख लीजिए। फिर आर है राइट अ फंक्शन इन पाइथन पॉप ए आर आर वेयर ए आर आर इज अ स्टैक इंप्लीमेंटेड बाय अ लिस्ट ऑफ नंबर द फंक्शन रिटर्न द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम अ स्टैक, डिलीट यानी पॉप करना है। तो क्या है ये प्रोग्राम है, फंक्शन देखिए डेप पॉप स्टैक एसटी एसटी से पॉप करना है। तो इफ स्टैक इज एम्प्टी चेक करने के लिए क्या है लेन ले लीजिए, अगर लेन 0 है तो एम्प्टी है तो वर्कफ्लो अंडरफ्लो हो जाएगा, यानी कोई भी डेटा उसमें नहीं है। एल्स में आए क्या किया उसकी लेन लिया लेंथ लिया फिर लेन -1 इंडेक्स वैल्यू 12 में ले आए फिर प्रिंट कर दिया जिसको लास्ट वाला, फिर हमने कहा एसटी डॉट पॉप एल -1 कर दिया, तो ये हमारा लास्ट डेटा डिलीट हो गया और वो प्रिंट भी हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम है, देख लीजिए। तो सेक्शन 2 हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 यहां से है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहां से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहां से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर यहां से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, ये आपका सेक्शन सेकंड हो गया। सेक्शन 3 देखिए, ये कह रहे हैं 38 माई पेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक्स एट नयरापुर एंड इट इज प्लानिंग टू सेट अप आवर नेटवर्क, द यूनिवर्सिटी हैज 3 एकेडमिक ब्लॉक्स एंड द 1 ह्यूमन रिसोर्स सेंटर एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ये आपका है, ये डायग्राम है, लॉ ब्लॉक है, बिजनेस ब्लॉक है, टेक्नोलॉजी ब्लॉक है और HR सेंटर है। इसका क्या कर रहे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताई गई है, लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक तक 40 मीटर है, लॉ ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक 80 मीटर है, लॉ ब्लॉक से HR सेंटर
105 मीटर है, और बिजनेस ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक 30 मीटर है, और बिजनेस ब्लॉक से एचआर सेंटर 35 मीटर है, फिर टेक्नोलॉजी ब्लॉक से एचआर सेंटर 15 मीटर। तो नंबर आप कंप्यूटर से देखिए, हर ब्लॉक में लॉ ब्लॉक में 15 है, टेक्नोलॉजी ब्लॉक में 40 है, एचआर सेंटर में 115 है, और बिजनेस ब्लॉक में 25 है। तो क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज ब्लॉक सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद द सुटेबल रीजन। मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर इज एचआर सेंटर एट द दिस सेंटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं वहां पर सर्वर लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसे हैं, एचआर सेंटर में है 115, इसलिए यहां सर्वर लगाया जाएगा। बी, सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक सेंटर फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। तो ये देखिए इसका आंसर है, एचआर से टेक्नोलॉजी ब्लॉक कनेक्ट किया गया, एचआर से ही बिजनेस ब्लॉक कनेक्ट किया गया, और एचआर सेंटर से ही लॉ ब्लॉक कनेक्ट किया गया। सी, विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू प्लेस इंस्टॉल इन ईच ऑफ द ब्लॉक सेंटर टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद दीज ब्लॉक। वहां स्विच लगाएंगे, स्विच में फायदा क्या होता है कि चाहे जितने कंप्यूटर हो स्पीड जो है हमारी डिवाइड नहीं होती, सबकी स्पीड वही रहती है। स्विच लगाएंगे, फिर सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन, रिपीटर में बी प्लेस्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज मोर देन 70 मीटर। तो वहां पर रिपीटर लगाए जाएंगे। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट द एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली विच इज मोर देन 1250 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन वैन और वैन विल बी फॉर्म्ड। जस्टिफाई योर आंसर, वैन लगाया जाएगा क्योंकि बहुत दूरी है, एट द गिवन डिस्टेंस इज मोर देन द रेंज ऑफ लैन एंड वैन, मैन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वैन लगेगा। 39 क्वेश्चन, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज 1 to 5 बेस्ड ऑन द रिलेशन। दो रिलेशन है, टीचर और पोस्टिंग, और ये हमारी क्या कह रहे हैं, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर हुयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। फिर सेकेंड है, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो क्या, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर हुयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथमेटिक्स एंड जेंडर इज इक्वल टू एफ। थर्ड, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय लगेगा, सिलेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइन। फोर्थ, टू डिस्प्ले टीचर्स नेम सैलरी एज फॉर मेल टीचर्स ओनली, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज फ्रॉम टीचर हुयर जेंडर इज इक्वल टू एम। टू डिस्प्ले नेम बोनस फॉर ईच टीचर हुयर बोनस 60% ऑफ सैलरी, तो सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी इनटू 0.1 यानी 0.1 मतलब 10% एज बोनस, उसका नाम बोनस हो जाएगा फ्रॉम टीचर। लास्ट क्वेश्चन, अ बाइनरी फाइल बुक डॉट डेट एज स्ट्रक्चर बुक नंबर बुक नेम ऑथर कॉमा प्राइस, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड एड टू बुक डेट बुक डॉट डेट। सेकेंड, राइट अ फंक्शन काउंट्रेक ऑथर इन पाइथन विच एक्सेप्ट द ऑथर नेम एज पैरामीटर एंड काउंट एंड रिटर्न नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर आर स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल बुक डॉट डेट। तो पहले क्या है, क्योंकि हमारी क्या है बाइनरी फाइल करना है, तो पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट पिकल, फिर दो फंक्शन बनेंगे, एक क्रिएट फाइल एक काउंट रिक। तो क्या है, डेफ क्रिएट फाइल, यहां पर एफ ओबीजे बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन बुक डॉट डेट कॉमा ए बी अपेंड मोड में खोला यानी बाइनरी फाइल,
और बुक नंबर कॉमा इनपुट किया गया इंटीजर में, बुक नेम इनपुट किया गया, ऑथर इनपुट किया गया और प्राइस इनपुट किया गया, चारों को इनपुट करके फिर लिस्ट में डाल लिया हमने रेक में, रेक नाम की एक लिस्ट बनाई उसमें हमने डाल लिया। फिर पिकर डॉट डंप फंक्शन से हम राइट करते हैं, तो पिकर डॉट डंप रेक कॉमा वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो हमारा फाइल का है, फिर उसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा क्रिएट फाइल हो गया। फिर अगला है डेप काउंट रेक आथर, फिर इसको क्योंकि रीडिंग मोड में खोलना पानी फाइल को, तो रीडिंग मोड में खोलेंगे, फिर नंबर नम को काउंटर को जीरो ले लेंगे, फिर ट्राई और एक सब लगाएंगे वाइल ट्रू, फिर पिकर डॉट लोड से डेटा रीड होता है वो रेक में जाएगा, और फिर क्योंकि हमें क्या चेक करना है आथर चेक करना है, तो आथर किस प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, क्योंकि पहला है बुक नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है आथर, तो थर्ड प्लेस मतलब टू इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे बुक नंबर होगा, वन इंडेक्स पे नेम होगा, तो टू इंडेक्स पे आथर होगा, टू इंडेक्स चेक कर रहे हैं, तो आथर इज इक्वल टू रेक ऑफ टू, अगर इक्वल है तो नंबर को नाम को इंक्रीज कर दिया, ये चलता रहेगा, जैसे फाइल हमारी खत्म हो जाएगी हम फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर नंबर को रिटर्न कर देंगे, नंबर को रिटर्न कर देंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम है, यहां से हमारा प्रोग्राम है ये। और अब बाइनरी फाइल स्टूडेंट डॉट डेट हैज ए स्ट्रक्चर एडमिशन नंबर कॉमा नेम कॉमा परसेंटेज राइट अ फंक्शन काउंट रेक इन पाइथन दैट वुड रीड कंटेंट्स ऑफ द फाइल that and display the details of those students whose percentage is above 75, also display number of student scoring above 75. So import kiya pickle, kyunki bani file hai, def count rec function banaya, phir file ko open kiya reading mode mein bani file ko, phir num ko zero le liya, phir try lagaya, try or accept while true, phir pickle dot load se ab data read kiya, फिर क्योंकि हमारा जो है वो थर्ड सेकंड प्लेस पे है हमारा, तो उसको चेक करेंगे कि हमारा परसेंटेज अगर 75 से अबव है तो उसको प्रिंट कर देंगे, जीरो इंडेक्स का डेटा, वन इंडेक्स का डेटा, टू इंडेक्स का डेटा और सेप लगा देंगे टैब, तो सब तीनों बीच में टैब लग जाएगा, और फिर काउंटर बढ़ा लेंगे नम का, और जैसे ही डेटा हमारा खत्म हो जाएगा तो फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर क्या करेंगे प्रिंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 75% इज नम प्रिंट कर देंगे, तो ये पूरा हमारा पेपर सॉल्व हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट हमारा यहाँ शुरू है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए थर्ड पार्ट का, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, फिर क्वेश्चन हमारे ए पार्ट, बी पार्ट, सी, यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर ये प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आर का क्वेश्चन, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका क्वेश्चन और लास्ट। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे भी जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें, और जब सब्सक्राइब कर दें बगल में बेल आइकन आता है उसको क्लिक करें और ऑल कर दें, इससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अब क्या करना है वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है, और जितने भी जाने वाले लोग हैं नियर डियर हैं फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिले, कन्फ्यूजन ना हो, तो अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे अगले पेपर्स की, थैंक यू वेरी मच।